गुड मॉर्निंग्स फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम झारखंड करेंट अफेयर्स के अंतर्गत पिछले क्लास में दीपिका कुमारी के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम झारखंड करेंट अफेयर्स का एक न्यू टॉपिक को लेकर आए हैं, उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। झारखंड की ऐसी दो महिला खिलाड़ी जिन्होंने अपनी संघर्ष और मेहनत से राज्य और देश का नाम रोशन किया है। झारखंड की एक महिला खिलाड़ी कोमालिका बारी के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। कोमालिका बारी झारखंड राज्य से बिलोंग करती है और जमशेदपुर की रहने वाली है। इनका संबंध तीरंदाजी से है। इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत 2012 से की थी। वर्ष 2021 में पोलैंड में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें कोमालिका बारी व्यक्तिगत रिकर्व वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य और देश का नाम रोशन किया था। इस जीत के साथ कोमालिका बारी जूनियर रिकर्व वर्ग और कैडेट वर्ग में विश्व चैंपियन बनने वाली दूसरी भारतीय महिला तीरंदाज खिलाड़ी के रूप में बनी। इनसे पहले 2009 में दीपिका कुमारी ने खिताब जीते थे। वर्ष 2021 में एक और खेल हुए थे, पेरिस में विश्व कप तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। उस कप में कोमालिका बारी, दीपिका कुमारी और अंकिता भट्ट तीनों मिलकर एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीते थे। दोस्तों, फिर से एक बार हम देखते हैं, कोमालिका बारी झारखंड राज्य से बिलोंग करती है और जमशेदपुर की रहने वाली है। इनका संबंध तीरंदाजी से है। इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत 2012 से की थी। वर्ष 2021 में पोलैंड में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें कोमालिका बारी व्यक्तिगत रिकर्व वर्ग में
स्वर्ण पदक जीतकर राज्य और देश का नाम रोशन किया था। इस जीत के साथ कोमालिका बारी जूनियर रिकर्व वर्ग और कैडेट वर्ग में विश्व चैंपियनशिप बनने वाली दूसरी भारतीय तीरंदाज महिला खिलाड़ी के रूप में बनी। इससे पहले 2009 में दीपिका कुमारी इस प्रतियोगिता को जीती थी। उसके बाद हम बताएं कि 2021 में पेरिस में विश्व कप तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें कोमालिका बारी, दीपिका कुमारी और अंकिता भक्त तीनों मिलकर एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीते थे। तो दोस्तों, जितना आज हम कोमालिका बारी के बारे में बात किए सभी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग देखेंगे निक्की प्रधान के बारे में। दोस्तों, निक्की प्रधान झारखंड राज्य से बिलोंग करती हैं और ये खुट्टी जिले के रहने वाली हैं। इनका संबंध हॉकी से है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निक्की प्रधान बहुत सारे पदक जीते हैं। इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत 2002 से की थी। वर्ष 2021 में झारखंड की राजधानी रांची में 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था, जिसमें इनको बेस्ट प्लेयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2012 में बैंकॉक में जूनियर एशिया कप का आयोजन किया गया था, जिसमें निक्की प्रधान ने टीम की ओर से कांस्य पदक दिलाया था। वर्ष 2017 में एशिया कप हॉकी का आयोजन किया गया था, उसमें भी निक्की प्रधान ने स्वर्ण पदक जीती थी। वर्ष 2018 में एशियाई गेम्स का आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में संपन्न हुई थी। उस एशियाई गेम्स में निक्की प्रधान ने रजत पदक जीते थे। इनके बारे में एक और खास बात है, झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक में भाग ली। और ये झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी होगी जिन्होंने 2 बार भी ओलंपिक में भाग ली।
इसको फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। निक्की प्रधान झारखंड राज्य से बिलोंग करती है और ये खुट्टी जिले की रहने वाली है। इनका संबंध हॉकी से है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निक्की प्रधान कई सारे पदक जीते हैं। इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत 2002 में की थी। वर्ष 2011 में रांची में 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। उसमें निक्की प्रधान को बेस्ट प्लेयर से पुरस्कार दिया गया था। 2012 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जूनियर एशिया कप हॉकी का आयोजन किया गया था, जिसमें भारतीय टीम की ओर से इन्होंने कांस्य पदक जीत दिलाया था। वर्ष 2017 में एशिया कप हॉकी का आयोजन किया गया था, जिसमें स्वर्ण पदक जीती थी। 2018 में एशियाई गेम्स का आयोजन इंडोनेशिया के जकार्ता में किया गया था, जिसमें निक्की प्रधान ने रजत पदक जीती थी। इन्होंने झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं जिसमें ओलंपिक खेल में भाग लिए, और झारखंड की एक पहली महिला हॉकी खिलाड़ी भी होगी जिन्होंने ओलंपिक में 2 बार भाग ली। दोस्तों, आज हम कोमालिका बारी और निक्की प्रधान के बारे में जितने भी बात किए वे सभी महत्वपूर्ण हैं, और आप लोग को सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को ध्यान में रखना है। सभी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, झारखंड के सीजीएल परीक्षाओं में। तो दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो पर चर्चा करेंगे जो मेरा रहेगा, झारखंड करेंट अफेयर्स का। धन्यवाद।